असंभव के विरुद्ध उनके लेख को पूरा देश बड़ी गंभीरता से और ध्यान से पढ़ता था। समसामयिक विषयों पर उनकी लेखनी हमारी चेतना को झकझोर देती थी, सरकार और समाज को भी सोचने को विवश करती। वास्मय अचानक हमारे बीच से चले गए। इंदौर ऐसा नगर है जिसने अनेकों चिंतक मनीषी और प्रखर पत्रकार देश को दिए। ऐसे ही चिंतक और मनीषी थे कल्पेश जी। उनके जाने से हृदय घर कहीं ना कहीं सूना हुआ है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करता हूं। कल उज्जैन में महाकाल महाराज के दर्शन करके जन आशीर्वाद यात्रा पार्टी के आदेश पर मैंने फिर प्रारंभ की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी कल यात्रा का शुभारंभ करने पधारे थे। कल जो उज्जैन का माहौल था वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। न केवल यात्रा के शुभारंभ की सभा, बल्कि उसके बाद जब मैं आशीर्वाद लेने उज्जैन की सड़कों पर निकला तो घनघोर बारिश के बीच भी समाज के हर वर्ग ने, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे, माताएं, बहनें, बेटियां सम्मिलित थी, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, वो मुझे अभिभूत कर गया। लोग पाए बरसते पानी में दौड़ते रहे और स्नेह लुटाते रहे। यदि आप सच्चे दिल से जनता की सेवा करते हैं तो जनता उससे कहीं ज्यादा आपसे स्नेह करती है, प्यार करती है। 2008 में भी मैंने जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में की थी। 2013 में भी मैं निकला था, लेकिन कई ऐसा दृश्य मैंने 2008 और 2013 में भी नहीं देखा। मैं जनता का आभारी हूं। मध्य प्रदेश जब हमें विरासत में मिला 2003 में, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो एक बदहाल मध्य प्रदेश, जिसको देश बीमारू मध्य प्रदेश के नाम से जानता था, हमें विरासत में मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, सड़कों के नाम पर गड्ढे, बिजली का पता नहीं, पानी का इंतजाम नहीं। हमने जब शुरुआत की तो हमारी कोशिश थी कि बीमारू मध्य प्रदेश विकासशील मध्य प्रदेश में कम से कम बदले, और इसलिए पहला कार्यकाल जो मुझे मिला उसमें हमने कोशिश की सड़कें बनना शुरू हो, बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, बुनियादी सुविधाएं और उसके साथ साथ सामाजिक सरोकारों के कुछ काम जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे वो हम प्रारंभ करें, तो उसी में से लाड़ी लक्ष्मी योजना, उसी में से कन्या विवाह योजना, अनेकों योजनाएं भी निकली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीमारू से विकासशील मध्य प्रदेश के निर्माण का काम पहले कार्यकाल में शुरू हुआ। दूसरे कार्यकाल में हमने कोशिश की
विकासशील के बाद विकसित मध्य प्रदेश की नींव रखने का हम प्रयास करें। मुझे कहते हुए संतोष, 7.5 लाख हेक्टर जहाँ मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, आज 40 लाख हेक्टर में होती है। 1.5 लाख किलोमीटर हमने नई सड़कों का निर्माण किया है और बिजली पहले 3-4 घंटे आती थी, बिजली नहीं आना मुद्दा होती थी, लेकिन अब बिजली थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो मध्य प्रदेश में वो मुद्दा बन जाता है कि बिजली गई। 24 घंटे बिजली सरप्लस पावर स्टेट मध्य प्रदेश को हमने बनाया। और उसके बाद मैं ये जानता था कि मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक करनी है तो कृषि की हालत सुधारनी पड़ेगी, और इसलिए कृषि की तरफ हमने ध्यान दिया। आज मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार भरे हैं, एवरेज 20% की दर से कृषि विकास दर मध्य प्रदेश में लगातार 5 सालों से है। शायद दुनिया में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा है, और मैं कह सकता हूँ कि तीसरे टर्म तक आते आते बीमारू से विकासशील और विकासशील से विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में हमने कदम बढ़ाए। और अब उन्हीं कामों के आधार पर जिनमें अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं भी है, उसके विस्तार से वर्णन करना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उन्हीं कामों के आधार पर अब मध्य प्रदेश की जनता के बीच हम फिर से जा रहे हैं। लेकिन अब विकसित मध्य प्रदेश से आगे का जो सफर और लक्ष्य है वह समृद्ध मध्य प्रदेश, बीमारू विकासशील विकसित और अब समृद्ध मध्य प्रदेश जनता के बीच अब हम आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, वो बढ़ के 79,000 रुपया हुई, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम अभी भी देश के एवरेज के नीचे, उसको और तेजी से बढ़ाना है। एक तरफ जनकल्याणकारी योजना है, समाज का वो वर्ग जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है उसके लिए, क्योंकि उसका हक है अधिकार है, लेकिन केवल बांटना नहीं, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे आमदनी कैसे बढ़े उसका प्रयास करना, ये हमारे चौथे कार्यकाल की सबसे प्रमुख फोकस होगा। इस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैं प्रदेश के इसी संदेश को लेके जो काम किया है उसके आधार पर अब समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए जनता एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। इसी संदेश को लेके जन आशीर्वाद यात्रा हम निकाल रहे हैं। ड्राइवर जैसे मामलों में जो दिक्कत है उसका समाधान निकालने का भी रविंद्र शुरू हो चुकी है और अब टिकट को लेकर भी कई कागजात क्या सभी रिपोर्ट आपकी कहती है जो आपके पास पहुंची है, क्या सिटिंग एमएलए के भी टिकट काटे जाएंगे, आगे क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्राइटेरिया पार्टी का है? अभी तो सब जनता के आशीर्वाद लेने में लगे, जिन जिन को जनता आशीर्वाद देगी वो लड़ेंगे, उसमें क्या देखेंगे। 1,80,000 करोड़ का कर्ज ऐसा कहते हैं कांग्रेस का, और हाईटेक मध्यप्रदेश में 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज, ऐसे में हाईटेक से यात्रा निकालना वहाँ तक जितने जनता की कैसी बर्बादी है कांग्रेस। मेरे कांग्रेस के नादान मंत्री नहीं जानते कि कोई भी राज्य भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड है उनके अंदर ही अपने विकास के लिए कर्ज ले सकता है। जीडीपी का जो हमारा साइज है उसका 3.5% तक कर्जा कोई भी राज्य ले सकता है, मध्य प्रदेश को विशेष सुविधा मिली क्योंकि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर था। बाकी राज्यों को 3% मिलती है, लेकिन जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर होता है उनको विकास के कामों के लिए 3.5% तक जीडीपी का वो कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेके विकास के काम करना ये पूरी दुनिया में आइडियल ही माना जाता है। अगर आप ये सोचेंगे इंदौर को तेजी से बढ़ाना है तो पैसे की जरूरत होगी, इंदौर ने तो बॉन्ड भी जारी किए और उसमें भी 140 करोड़ रुपया आ गया, तो हम अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते विकास के लिए। विकास के लिए धन जुटाने की आवश्यकता होती है, तो जो परमिट करती है भारत सरकार उसके अंतर्गत हम लोग कर्ज लेते हैं। कांग्रेस के जमाने में तो 21,000 करोड़ का टोटल बजट होता था मेरे मित्र, हमारा बजट है 2,05,000 करोड़ का। कांग्रेस के जमाने में कुल ब्याज चुकाने में 100 में से 22 रुपया खर्च हो जाते थे, अब ब्याज चुकाने में
100 रुपया में से केवल 8 रुपया खर्च होते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन तेजी से विकास के लिए ये व्यवस्था। नर्मदा जी का पानी प्रदूषित ना हो, इसलिए नर्मदा जी के तट पर 20 शहर हैं जिनके सीवेज का पानी भी नर्मदा जी में जाता है। उन सभी 20 शहरों में हमने सीवेज का नया सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला कर लिया है। कई जगह काम शुरू हो गया है, 3-4 जगह भी टेंडर हुए हैं, एजेंसी फिक्स हो रही है। हम हर घर के सीवेज को पाइपलाइनों से जोड़ के नर्मदा जी की विपरीत दिशा में ले जाएंगे, वहाँ ट्रीट करेंगे, और ट्रीटेड पानी भी नर्मदा जी में नहीं जाएगा, वो किसानों के खेतों में दे दिया जाएगा। और इसलिए सीवेज का पानी नर्मदा जी में जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कारखानों का पानी किसी भी हालत में ना जाए नर्मदा जी में, इसका मामला हमारा पर्यावरण विभाग देखेगा। अगर कहीं कोई ऐसी समस्या होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लगातार उसको प्रचार कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को क्या आवश्यकता है? मैं ये मानता हूँ कि नावलेकर जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है, लोकायुक्त रहे, अब समर्थन संपर्क से समर्थन एक कार्यक्रम बनाया भारतीय जनता पार्टी, और उसके अंतर्गत समाज के अलग अलग वर्गों से संपर्क करने जाना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या काम कर रही है बताना, और उसके लिए संपर्क करना, मैं मानता हूँ इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। पिछले 3 कार्यकाल में आपने ऐसा कौन सा काम रह गया जो आप नहीं कर पाए? पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, इन चारों का समग्र विकास जैसा होना चाहिए वैसा निमा भी मान बुंदेलखंड पिछड़ा है, बघेलखंड भी पिछड़ा है, निमाड़ भी, केवल थोड़ा सा भोपाल और इंदौर के आसपास और मालवा, तो ऐसा समग्र विकास का कैसे कब चिंतन होगा संबंध में? आपको, आपने क्या सोचा आगे की क्या आपकी रूपरेखा? आपका जो पहला प्रश्न है उसमें मैं इतने कहना चाहूँगा कि मुझे अभी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी काम करने की बहुत गुंजाइश है। शिक्षा की व्यवस्था पूरी अधकचरी कर गए थे तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री, क्योंकि शिक्षा कर्मी की एक व्यवस्था बना के गुरुजी तनख्वाह 500 रुपया, शिक्षा कर्मी तनख्वाह 1200 रुपया, अब 500 रुपया और 1200 रुपया महीना में कौन शिक्षक पढ़ाएगा, हम कल्पना कर सकते हैं। उस व्यवस्था को धीरे धीरे मैंने ठीक करने की कोशिश की और कर्मी कल्चर समाप्त करके पहले अध्यापक और अब एक ही कैडर केवल होगा पढ़ाने वाला, वो शिक्षक, और उनकी सैलरी अब सम्मानजनक ये 7वें वेतन आयोग के बाद 61,000 रुपये तक अब शिक्षकों की सैलरी होगी। हम चाहते हैं कि वो इज्जत समाज में उठी और वो ढंग से पढ़ाने का काम करे, तो उस दिशा में हमने प्रयास बहुत किए, लेकिन अभी हमको उसको और व्यवस्थित करने का काम करना है। दूसरी एक दिक्कत थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स का भारी अभाव है, मैं स्वीकार करता हूँ, और उसका एक कारण ये भी था कि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हमारे यहाँ बहुत कम थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो पहला मेडिकल कॉलेज 1964 के बाद सागर में मैंने खोला, खोलने की शुरुआत। इस साल सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करता, 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इनमें से 1 दतिया का लोकार्पण हो गया है। अभी मुझे पूरा भरोसा है कि इसी साल रतलाम, विदिशा और खंडवा के जो हमारे मेडिकल कॉलेज है वो भी प्रारंभ हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे शहडोल के और बाकी जो बन रहे हैं छिंदवाड़ा से पूरी के, उनमें भी हम तेजी से काम करेंगे। अभी 18 तारीख को सपना में एक नए मेडिकल कॉलेज का मैं लोकार्पण शिलान्यास करूँगा, और उसके बाद छतरपुर और सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज जब ज़्यादा होंगे तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर पदस्थ कर पाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही, संतुलित विकास और सब क्षेत्रों का विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। जैसे मैंने कहा पहला मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड में खुला, छतरपुर में नया विश्वविद्यालय हमने प्रारंभ करने का काम किया, सिंचाई की योजना अगर आप देखेंगे पूरे बुंदेलखंड में
लगभग हमने जाल बिछा दिया है। बिंद में भी अगर देखेंगे तो बाण सागर का पानी, गुलाब सागर का पानी, महान का पानी एक नई समृद्धि की एक बयार लेके बिंद के लिए आया है। महाकौशल में भी अलग अलग तरह के कई विकास के काम हुए। हमारा विकास समग्र विकास होगा, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास होगा, उसकी पूरी रूपरेखा हमने बताई। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद उसको देख के मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ही कह रहा हूँ कि फिर चौथी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप आश्वस्त हैं? पूरी तरह आश्वस्त हूँ। ये आपके नेतृत्व में बने? मेरे नेतृत्व में ही बने। जनदर्शन यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। और ये जनदर्शन यात्रा को क्या ये माना जाए कि आशीर्वाद चुनावी बिल्कुल है? ये जो बिल्कुल चुनावी यात्रा है, कोई दो मत नहीं। शिव भैया एक सवाल और था, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे और क्या आप निर्देश देंगे? कुल मिला के कानून और व्यवस्था की मैं बात करूं तो एक जमाना था मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में डकैतों का आतंक था और एक नहीं अनेकों गृह डकैतों के उस समय हुआ करते थे। सरेआम लोग गोलियों से भून दिए जाते थे। हमने तय किया कि डकैत नहीं रहेंगे और मुझे कहते हुए गर्व है कि 10 गुरुओं या तो समाप्त कर दिए गए, मार दिए गए, या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। एक जमाना जब कांग्रेस का राज था तब सिटिंग जो हमारे मिनिस्टर थे नक्सलियों ने उनकी गर्दन काट दी थी। हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ होती है महिला सुरक्षा के मामले में, लेकिन दृष्टिकोण का अंतर मैं आपको एक भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण दे, एक भी घटना अगर होती है तो अंदर से झकझोर देती है। लेकिन कांग्रेस के समय जब ऐसी घटना होती थी उनके मंत्री विधानसभा में कहते थे कि एक बार अगर रैप हो गया तो 50,000, दोबारा हो गया तो फिर 50,000 दे देंगे। ये सोचने का अंतर था, लेकिन हमने कानून बनाया मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले कि मासूम बिटिया के साथ अगर दुराचार होगा तो दरिंदे फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको लागू कर दिया। अभी मन मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने उनको चिट्ठी भी लिखी और मैंने बोल के भी कहा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मैंने प्रार्थना की, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश कर देगी। मैंने अलग से बैठक की और वो चार्जशीट आपको मालूम है, कुछ मामलों में एक मामले में सागर में प्रस्तुत हुई और फांसी की सजा लोअर कोर्ट से हो गई। लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदय उसके बिना फांसी के फंदे पर दरिंदे नहीं लटकाए जा सकते, उसका फॉलोअप करना, उसकी मैंने सार्वजनिक अपील भी की है। और दूसरी तरफ घटना अगर हुई तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो मेरी बेटियाँ हैं, चाहे सतना की घटना हो चाहे मंदसौर की घटना हो। सतना की बिटिया को भी एयर एम्बुलेंस से हमने दिल्ली भेजा, एम्स में उसका इलाज चल रहा है, मैं परिवार से आया। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए, हम जिम्मेदारी से नहीं बचे, लेकिन कई बार होती है। लेकिन उसके बाद दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई हो और वो कैसी कार्रवाई हो उसके लिए कानून बना के हमने कोशिश की। कांग्रेस के सभी नेता एक हो गए हैं और बोल रहे हैं कि इस बार 200 पार और जब सब इकट्ठे हो गए हैं तो क्या लगता है आपको ये आपके लिए? हमारे लिए तो कुछ भी खतरा नहीं है क्योंकि फैसला जनता करती है। अब एक हो गए तो मुझे ये समझ नहीं हो रहा है एकता यात्रा है क्यों निकल रही, समन्वय सम्मेलन क्यों हो, कहीं समन्वय सम्मेलन हो रहा है? अच्छा कई बार आश्चर्य होता है, मैंने यात्रा शुरू की तो उन्हें महाकाल महाराज को चिट्ठी, महाकाल महाराज चिट्ठी से प्रसन्न थोड़ी, महाकाल महाराज तो शरण में जाओ, पूजा अर्चना करो, साधना करो, सेवा करो तो प्रारंभ हो तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र मेरा अंधा विरोध करते जरूर रहते हैं, और कुछ नहीं मिला तो एक चिट्ठी लिख दो, बयान जारी कर दो। मेरे मित्रों चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, आपकी इन्हीं गतिविधियों के कारण, हरकत शब्द मैं नहीं कहूँगा, इन्हीं के कारण कांग्रेस की कांग्रेस भी हो गई है। कांग्रेस भी का मतलब अब सीमित हो गई पंजाब और पुडुचेरी,
बाकी कहीं वो बची नहीं। तो अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो पी बने रहेंगे। अब देखो शब्दों के वाणी चलाने में लगता क्या है, लेकिन जनता काम देती है और काम के कारण आश्वस्त।